अब ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम आएंगे मिलने रोज। फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो था या नहीं। को कैसे पता कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। रामसिल कथान के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कथा पहुंच जाती है तेजी रघुवंशी के पास और उससे कहती है कि आखिर आप कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। आपने अपने शोहर की ज़िंदगी बर्बाद की और अब आप चाहती हैं कि आपका बेटा भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की बजाय आपकी गुलामी करे। जिस पर तेजी रघुवंशी कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती और तुम तो वही हो ना जो मेरा बेटा मुझे छीनने आई हो। और ये कहते ही वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और उसको एंग्जाइटी का दौरा पड़ जाता है, जिस पर कथा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब क्या करे। वो इसी सूरत में व्यान को बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस पर व्यान कहता है कि आखिर क्या बात हुई है। जिस पर कथा उससे कहती है कि कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई, मैंने सिर्फ इनसे ये कहा है कि आप अपने बेटे की खुशियों में खुश रहें ना कि उसको अपनी ग़ुलामी में ले लें। जिस पर व्यान कहता है कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ किसी भी वक्त परेशानी में कुछ भी कर लेगी।